सड़कों पर मिले जहरीले केमिकल से भरे 12 ड्रम, कुछ खाली तो कुछ रसायन से भरे ड्रम बरामद। इलाके में फैला रसायन का दुर्गंध, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। मामला है महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित बोईसर तारापुर इलाके का, जहां पर स्थित टिंस वर्ल्ड कॉर्पोरेट स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर लावारिस अवस्था में 12 केमिकल से भरे ड्रम बरामद किए गए हैं, जिनसे लगातार निकल रही रसायन से स्कूली छात्रों को उल्टियां शुरू हो गई, जिसके फौरन बाद स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी और फिर सबसे पहले मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बचाव और राहत काम की शुरुआत की। जहरीले केमिकल के फैलाव का बुरा असर न सिर्फ पर्यावरण बल्कि लोगों की स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। ऐसे में केमिकल कंपनियों का सिर्फ मुनाफा कमाने का तरीका एक बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, यहाँ पे तकरीबन 12 ड्रम क्या केमिकल से भरे हुए यहाँ पे छोड़ के गए हैं। कुछ ड्रम से यहाँ पे खाली किए हुए दिख रहे हैं। यहाँ से दुर्गंधी और गैसेस बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई थी। तो यहाँ पे बगल में 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक टिंस वर्ल्ड नामक स्कूल यहाँ पे है। बच्चों को 6-7 बच्चों को यहाँ पे उल्टी हो गई। तो स्कूल ने प्रशासन को ये खबर देने के बाद अग्निशमन दल यहाँ पे आए और उनका बचाव कार्य वहाँ पे चालू हो गया और सब बच्चों को यहाँ से स्थलांतरित किया गया। ये ऐसे जो चोरी से काम किए जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है, तो कारखानदार किसी बेजवाबदार ठेकेदार को ये ऐसे ही नाले में या कहीं छोड़ने के लिए देते, क्योंकि प्रोसेस चार्जेस के बहुत सारे फीस भरनी पड़ती है और एमपीसीबी के जो भी कायदा अंतर्गत जो भी उनको शेड्यूल रहता है, उस अनशेड्यूली होने के कारण यहाँ पे इस प्रकार के काम ठेकेदारों से किए जाते हैं। आपको पता है, N24 न्यूज़ ने इसी तरीके से एक खबर बताई थी कि पूरे इंडस्ट्रियल में काफ़ी मात्रा में रासायनिक पानी छोड़ दिया जाता है। उस समय आपने भी इस बात को नकारा नहीं था, तो आप इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, हमने MPCB से बहुत पहले ही, मतलब कई सालों पहले से हम लोग यहाँ पे उनको इसे संदर्भ में तकरार कर चुके हैं कि नाइट विजिलेंस स्क्वाड यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे चोरी के मामले या ऐसे पोल्यूशन फैलाने वाले जो ठेकेदार है, ये रात का अंधेरे का फ़ायदा लेके ऐसे पोल्यूशन यहाँ पे कर देते। किसी बहुत सारे अनजान बच्चे बालक यहाँ पे उनको धोखा पहुँच सकता था, उनके वैसे भी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हुआ रहेगा। तो मेरी एक दरख्वास्त है कि ऐसे सब इसके लिए MPCB ने एक विजिलेंस बल्कि नाइट विजिलेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वैसे केमिकल इतना खतरनाक होता है कि उसकी जद में आने से लोगों को आंखों में जलन महसूस होती है और सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आंखों को जलन होती है ना, तो आप सांस ले सकते हैं, ये तकलीफ उनसे हो रही है। फिलहाल सुबह 6 बजे लावारिस पड़े केमिकल से भरे ड्रम की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कथित केमिकल का सैंपल लेकर उसे लेबोरेटरी में भेज दिया। अब रिपोर्ट की पुष्टि होने पर कार्रवाई की बात की जा रही है। नहीं सर, ड्रम तो अभी अननोन है, किससे आया पता नहीं। सुबह 6-7 बजे फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ड्रम गिरे हुए, आप जल्दी आ जाओ। तो हमने हमारी टीम भेज दी, इन्वेस्टिगेशन किया और अभी सैंपल निकल के हम लेबोरेटरी भेज रहे हैं। जब वो एनालिसिस हो जाएगा तभी हम उसको ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये क्या हो सकता है? ये केमिकल कुछ बता नहीं सकते, जब तक एनालिसिस होता नहीं तब तक कुछ नहीं बता सकते। कुल कितने ड्रम है, कितने लीटर? टोटल 12 ड्रम्स है और 12 ड्रम्स के 200 लीटर के हिसाब से 2400 लीटर होता है। तो इससे क्या कोई ऐसी बड़ी घटना घट सकती है? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी प्राइमरी तो नहीं दिखता है, लेकिन जब एनालिसिस करेंगे तभी हो सकता दिखेंगे, समझेंगे। स्मेल तो पूरे एरिया में आ रहा है, इस वजह से स्मेल केमिकल है, स्मेल आएगा ही सर, लेकिन जब एनालिसिस नहीं होगा तभी तक हम कुछ नहीं बता सकते। प्लीज, टीन्स वर्ल्ड कॉर्पोरेट स्कूल प्रबंधन की यदि माने तो कथित रासायनिक ड्रमों के मिलने की और उससे दुर्गंध आने की खबर मिलते ही उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी और पुलिस के निर्देश पर सबसे पहले उन्होंने स्कूल से बच्चों की छुट्टियां कर दी। जी, आपका नाम? हरमीत सिंह। आप क्या करते हैं? एडमिन हूँ मैं यहाँ पे स्कूल में, टीन्स वर्ल्ड कॉर्पोरेट स्कूल में। और जैसे ही आज हम लोग सुबह मॉर्निंग में पहुँचे तो यहाँ पे 8-10 ड्रम्स थे जो केमिकल के और काफ़ी स्मेल आ रही थी। सो वही इन्फॉर्मेशन हम लोग ने दे पुलिस स्टेशन में दिया, तो उन्होंने एक्शन लिया और उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने जैसा ऑर्डर्स थे कि स्कूल इवैक्यूएट कराओ, हम लोगों ने स्कूल वगैरह पूरा खाली करा दिया बच्चों को। सो अभी जो आप देख रहे हैं, जो
टेस्टिंग वगैरह चल रही है। क्या इस स्मेल की वजह से या इस वजह से कोई बच्चों को तकलीफ हुआ कुछ हुआ? नहीं, बच्चों को तो ऐसा कोई सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ सिर दर्द का शिकायत था, बाकी ऐसा कोई सीरियसली कुछ नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा। तो फिर बच्चों को कुछ दवाई वगैरह दी, कुछ ऐसा चेकिंग किया? इनिशियली तो हमारे पास है जो चेकिंग के लिए मैडम है, तो हो गया वो, तो सब कुछ ऐसा सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी पेरेंट्स वगैरह को बुला के हमने सब टीचर्स को और बच्चों को भेज दिया। केमिकल से भरा बरामद ड्रम जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम है एक्री ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एनवायरमेंट केयर यूनिट स्थित है तारापुर के प्लॉट नंबर N211/2/9 पर। उनके कर्ता धर्ता से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि ड्रम उनकी कंपनी का है, लेबल भी उनकी कंपनी का है, लेकिन ड्रम के भीतर जो रसायन पाया गया है वो उनकी कंपनी का नहीं है। जिस ड्रम यहाँ पर फेंके गए उस ड्रम के ऊपर आपके कंपनी का नाम क्या बात? नहीं, एक्चुअली कि हमने मोनोइथिलीन ग्लाइकोल करके केमिकल है, वो हमने एक पार्टी को बेचा था, तो वो इनोवेश्वर सब है हमारे पास में, फिर उनके पास उन्होंने दूसरी जगह कुछ ये ड्रम खाली करके उसको दिया था, वंगर वाले उसको दिया होगा ऐसा करके। कौन सी पार्टी को आपने दिया? मोल्टस रिसर्च लेबोरेटरी करके उनको दिया था। तो जिस तरह से आप जिनको ड्रम मुहैया करते हैं, क्या उस समय सुरक्षा को देखते हुए कुछ ऐसा ये नहीं बनाया जाता? नहीं, इनोवेश्वर सब रहता है ना, अपना सब रहता पूरा, और हमारा जो मटेरियल जो है ना वो अलग है, ये जो मटेरियल है ये अलग है ना, हमारा अलग आता है, हम लोग ग्लाइकोल बनाते हैं ना, ये मटेरियल है वो अलग मटेरियल है। लेकिन ड्रम के ऊपर नाम आपके? नहीं, ड्रम पैकिंग हमारा आया था, पैकिंग। हाँ, तो आपका आने की वजह से मतलब? नहीं, पैकिंग है ना, पैकिंग मटेरियल, वो अभी सामने वाला पार्टी क्या करते मालूम नहीं ना अपने को, तो पैकिंग खाली हमने दिया था। सड़कों पर लावारिस पड़े इन नीले कलर के ड्रमों से जहरीला केमिकल कैसे बाहर निकल रहा है, इसे अपनी टीवी स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं, जो किसी के भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल कर्मी और MPCB की टीम ने एहतियात बरतते हुए केमिकल का सैंपल ले लिया और उसे सरकारी प्रयोगशाला में भेज दिया। मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल कर्मी और MPCB की टीम ने एहतियात बरतते हुए केमिकल का सैंपल लिया और उसे सरकारी लेबोरेटरी में भेज दिया, ताकि जहरीले केमिकल की क्षमता और उसके रिस्क फैक्टर का अंदाजा लगाया जा सके। आपको बता दें कि In24 न्यूज ने कुछ दिन पहले गटर नालों में छोड़े जाने वाले केमिकल की खबर प्रसारित की थी, जिस पर अब पूरी तरह से मुहर लग गई है, क्योंकि एक कहावत है, दर्पण झूठ नहीं बोलता। सवाल हमने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कि आखिर इतने जहरीले रसायन को सार्वजनिक रूप से सड़कों पर, गटर और नालों में क्यों फेंका जा रहा है? क्या प्रशासन को इंतजार है किसी बड़ी घटना का? इतने गंभीर मामले में राज्य सरकार हस्तक्षेप आखिर क्यों नहीं करती? तारापुर MIDC के कंपनी के मालिक लोगों से जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से 10 से 11 रासायनिक युक्त ड्रम यहाँ पर फेंके गए, जिसके कारण लोगों को तकलीफ हो रही है, स्कूल के बच्चों को भी तकलीफ होने की वजह से स्कूल के बच्चों को इस वक्त स्कूल छोड़ दिया गया है। इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि MPCB और MIDC का अंकुश कंपनी मालिकों के ऊपर से हटता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गरत के साथ नागनाथ बाबर, तारापुर MIDC।